आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। पथ निर्माण विभाग यानी आरईओ गुमला से बन रही कंक्रीट पीसीसी सड़क में अनियमितता की सूचना पाकर नगर निगम रांची की मेयर आशा लकड़ा निर्माण स्थल पर पहुंच गईं और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यह कार्य कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जमशेदपुर के द्वारा गम्हरिया से महुगांव मोड़ तक कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा बढ़ती जा रही अनियमितता की शिकायत रांची की मेयर आशा लकड़ा को मिली थी। इस क्रम में महापौर आशा लकड़ा ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ठेकेदार दिलशाद आलम को कड़ी फटकार लगाई। वहीं उन्होंने कार्य की एस्टीमेट कॉपी भी मांगी जो कार्य स्थल पर मौजूद नहीं था। श्रीमती लकड़ा ने कार्य स्थल पर पुराने पीसीसी पथ के ऊपर ही ढलाई कर बनाए जाने के बाबत भी ठेकेदार से वजह दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे भी सिर्फ काले डस्ट को देकर ऊपर से पीसीसी का निर्माण किया जा रहा है। विभाग के कनीय अभियंता और ठेकेदार दोनों मिली भगत कर घटिया काम कराकर सरकार के पैसे का बंदरबांट करने पे लगे हैं। वहीं श्रीमती लकड़ा ने कनीय अभियंता को कार्य स्थल पर घटिया निर्माण कार्य होने के बाबत दूरभाष पर भी फटकार लगाई। पिछले 2018 में हमने पूरा 73 किलोमीटर का रोड घाघरा प्रखंड और गुमला प्रखंड मिलाकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से स्वीकृति करवाए थे और उन्हीं का देन है आज ये गम्हरिया से लेकर के हपामुनी होते हुए ये महुगांव तक जाएगी और ये 5 किलोमीटर का रोड को पीसीसी के लिए बनाया गया है। अब जब हम यहाँ आए हैं जो पुराना पीसीसी रोड है उसी के ऊपर ढाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो संवेदक है और कहीं ना कहीं यहाँ का जो इंजीनियर है उन दोनों का मिलीभगत से ये काम होना चाहिए था। 8 इंच का पीसीसी ढालना है तो ये बिना बोल्डर का बिना कुछ किए हुए ही ये ढाल दे रहे हैं और साइड में जो सोलिंग है साइड सोलिंग अगर आप देखेंगे डस्ट देना है वहाँ वो क्या ऐसा डस्ट दिए हैं जो एक बार गाड़ी चढ़ेगी तो धस जाएगी। हमें लगता है जो 8 फीट का जो रोड ढालना है उसको कितना इंच ढाल रहा है, 6 इंच 8 इंच का ढालता है साइड का वो नापी करेंगे तो 8 इंच होगा, बाकी जो बाद बीच का देखेंगे तो उसका कोई नापी नहीं है। अगर इंजीनियर होते तो उनको हमें नपवा करके हमने कहा है कि दशहरा छुट्टी के तुरंत बाद इसका एक बार निरीक्षण हम करेंगे और डीसी को भी बताएंगे क्योंकि डीसी को भी मालूम है इस रोड को लाने के लिए आशा लकड़ा ने इसका बहुत मेहनत किया है और इसी वजह से सिर्फ ये भर नहीं आज ये रोड है उसके बाद आप चले जाइएगा घाघरा से घाघरा आपका रुकी घाट तक का ये ओ रोड भी पूरा अभी पीसीसी बनना है। तो अगर जो ग्रामीण व्यक्ति है ग्रामीण को मालूम नहीं होता है कि कितना रोड बनना है, खुशी इस बात की होती है कि उनको चलने के लिए जो रोड जितनी खराब रहती है उस रोड को बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो गांव के लोग उसके लिए खुश होते हैं कि रोड बन रहा है, लेकिन रोड क्वालिटी हो गुणवत्तापूर्ण हो ये जिस तरह से भी बने गांव के लोगों को गुणवत्तापूर्ण का एक ध्यान दिलाने का जरूरत है और जो यहां का संवेदक है जो भी संवेदक है या जो भी इंजीनियर होंगे उनकी जिम्मेदारी है अगर ये सही नहीं करेंगे मैं इसका जांच करवाऊंगी और जांच में अगर गलत पाई जाएगी तो दोबारा इसको काम करवाने का मैं निर्देश करवाऊंगी। आपने निरीक्षण किया उसमें आपने अभी क्या पाया? हाँ हमने देखा है ये तो पीसीसी ऑलरेडी सही है, इसके ऊपर में इनको थोड़ा सा पुराना मटेरियल को कबाड़ करके बनाना चाहिए क्योंकि रांची में रहते हुए हमने हजारों पीसीसी रोड बनवाए हैं। उसके अलावा अभी आप देखेंगे बिटुमिनस का रोड हो कालीकरण का रोड हो उन्हें 200 करोड़ का योजना रांची में हमने बनवाया है और हम हर जगह पर जाते हैं देखते हैं अगर रोड सही ढंग से नहीं होता है तो उसको कबाड़ करके भी हम बनवाते हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजते हैं और लैब में भेजते हैं उनको जाँच कराने के लिए। तो यहाँ तो गाँव है कहाँ लेके जाएगा, जब रांची भेजेगा तभी लैब मिलेगा, लेकिन आपका जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट के आधार पर इस रोड को बनना चाहिए जो गलत है। आज जो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ का पीसीसी और यहाँ का पीसीसी जो पुराना बना हुआ तो ये कहीं ना कहीं ठेकेदार इसका लाभ ले रहा है, कहीं ना कहीं इंजीनियर यानी कि ठेकेदार और इंजीनियर दोनों मिलकर पीसीसी जो पुराना बना हुआ तो ये कहीं ना कहीं ठेकेदार इसका लाभ ले रहा है, कहीं ना कहीं इंजीनियर यानी कि ठेकेदार और इंजीनियर दोनों मिलकर के ग्रामीण जनता का पैसा को लूट रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। तो इस पर आप अगर आप गलत पाते हैं करने के लिए मैं पत्र लिखूंगी, मैंने इसीलिए आज जांच करने के लिए आया, मेरा ही पत्र के आधार पर ये रोड भी सैंक्शन हुआ है और ये बन रहे हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री को और आरयू के जो भी पदाधिकारी है उनको मेरा जो पत्र है वो जाएगा और इसका पुनः जाँच होगा। गुमला से ब्यूरो आफ्ताब अंजुम के साथ घाघरा संवाददाता विकास कुमार साहू की रिपोर्ट।